हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मोर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ताकि मैं आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुंचा सकूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं हिमाचल प्रदेश की झीलों को याद कैसे करें। चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है बिलासपुर ज़िले की। बिलासपुर ज़िले पर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, जिसका नाम है गोविंद सागर। यह झील सतलुज नदी पर बनी हुई है और इसका जो एरिया है वो 168 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स, सबसे आपको क्वेश्चन आता है कि मानव निर्मित झील जो सबसे बड़ी है तो वह कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, गोविंद सागर। नेक्स्ट बात आती है चंबा ज़िले की। तो चंबा पे आती है हमारी मणि महेश, महाकाली, लामा, खजियार, घड़ासुरु और चमेरा। फ्रेंड्स, जो है हमारी लामा झील है, इस पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो लामा झील है ये 7 झीलों का समूह है। बात आती है खजियार की, तो आपको पता ही है खजियार को वैसे भी मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, यह नाम पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था और ये विश्व का 160वां स्थान है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड का दर्जा दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है आपके पास इसी तरह की, जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट बात आती है चमेरा की। ये चमेरा जो है ये बना हुआ है रावी नदी के पानी से, यह भी एक कृत्रिम झील है, तो आप इसको देख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चन कांगड़ा की। कांगड़ा पे झील आती है डल झील, करेरी, पोंग झील और मछियाल। फ्रेंड्स, इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है पोंग झील के बारे में, जिसे हम महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार ऐसा था कि महाराणा प्रताप सागर कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, तो मैक्सिमम लोग गलत आंसर लगा के आते हैं। तो ये महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में और कहाँ पर है, कांगड़ा में, और इसको नाम दिया गया है पोंग झील को नाम दिया गया है। फ्रेंड्स, यह ब्यास नदी पर बना हुआ है और इसकी लंबाई 42 किलोमीटर है और इस झील पर एक इस पोंग बांध भी बना हुआ है इसी झील पर, और वो 1960 में बना था, इसीलिए इसको महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो डल झील है ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट बात आती है मंडी ज़िले की। यहाँ पर बहुत सी झीलें पाई जाती है, जैसे कि पराशर झील है, कुमारवाह है, कुंत भयोग, रिवालसर, कमरुनाग, कालासर, सुखसर और पंडो। फ्रेंड्स, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम यहाँ रिवालसर झील के बारे में, कि जो रिवालसर झील है फ्रेंड्स, यहाँ के रिवालसर झील के बिल्कुल नज़दीक में ये बौद्ध भिक्षु पद्म संभव जी थे, उनके जन्म दिवस पर एक छेचू मेला भी लगता है। आपने याद रखना है छेचू मेला कहाँ पर लगता है, रिवालसर पर लगता है। ओके फ्रेंड्स, यह झील हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए तीर्थ स्थान है और इस झील को हम तैरते हुए टापुओं की झील भी कहते हैं। बिल्कुल फ्रेंड्स, रिवालसर झील के बारे में बात करूँ। नेक्स्ट आती है पंडोह झील। पंडोह झील मंडी ज़िले के ब्यास नदी पर बनी हुई है, इसकी लंबाई 14 किलोमीटर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के थोड़ा सा साथ में, जब आप कुल्लू मंडी होके जाते हो तो आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स कमरुनाग झील की। तो कमरुनाग झील जो है ये भी मंडी ज़िले पर पाई जाती है और इसी तरह से इसके कुछ एक क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम रिवालसर झील और पंडोह झील के बारे में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात आती है फ्रेंड्स कुल्लू ज़िले की। कुल्लू ज़िले पर भी 7 झीलें पाई जाती है, एक है भृगु झील, एक दसर, सरिताल, ब्यासकुंड, मानतलाई, देवरी और सयोलसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने बिल्कुल इनको इस तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट बात आती है लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति पर वैसे 2 तरह की झीलें पाई जाती है, आपने मैक्सिमम ये याद रखना है, और इधर से 3 क्वेश्चन बनते हैं, चंद्रताल कहाँ पर है, सूरजताल कहाँ पर है और यूनाम सो कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए चंद्रताल, सूरजताल लाहौल स्पीति पर है, यूनाम सो भी लाहौल स्पीति पर है। तो फ्रेंड्स, इसलिए जो चंद्रताल झील है इसे लोहित्य सरोवर नाम से भी जाना जाता है।
बिल्कुल फ्रेंड्स, इसको किस नाम से जाना जाता है, लोहित सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जो सूरज ताल झील है, यह भागा नदी का उद्गम स्थान बारालाचा दर्रे के पास ही मतलब उसी के साथ साथ में है, जहाँ से भागा नदी शुरू होती है बारालाचा दर्रे के पास, उसके बिल्कुल समीप में यह जो सूरज ताल झील है ये है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है शिमला जिले की। यहाँ पर दो तरह की झीलें पाई जाती है, चंद्रनहान झील और तानू जुबल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात आती है अगली किन्नौर जिले की। तो यहाँ पर एक झील पाई जाती है नाको झील। फ्रेंड्स, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे किन्नौर पर एक और झील भी, और लिखना भूल गया मैं, उसका नाम सोरंग झील है, आप इसको नोट कर लेना। तो किन्नौर जिले पर जो झीलें पाई जाती है वो नाको झील है और सोरंग झील है। फ्रेंड्स, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है नाको झील कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है सिरमौर की। सिरमौर पर दो झीलें हैं बेसिकली, रेणुका झील और दूसरी है सुकेती झील। जो रेणुका झील है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों में से एक है। मतलब हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, तो वो रेणुका झील है। अगर फ्रेंड्स सबसे बड़ी कृत्रिम झील के बारे में पूछा जाए तो कौन सी है, यस गोविंद सागर झील है। इसकी जो लंबाई है वो 2.5 किलोमीटर है। इसकी आकृति एक जैसे लगता है कि यह सोए हुई कोई स्त्री है, जैसे कोई औरत है उसकी तरह है। यह झील रेणुका झील जो है भगवान परशुराम जी के माता के नाम पर है। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों से बलिदान होना पड़ा था। यह उसने अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए किया था। आपको पता ही है फ्रेंड्स, इस झील के बारे में कुछ स्टोरी है तो इस तरह से। और इसमें जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता था, जो जमदग्नि ऋषि था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए रेणुका झील कहाँ पर है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है रेणुका झील कहाँ पर है, या सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, या फिर इसका संबंध किसके साथ है, मतलब परशुराम के साथ है या किसके साथ है, तो इस तरह से। या फिर रेणुका थी वो किसकी पत्नी थी, तो आपको पता होना चाहिए। तो ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस बताता हूँ कि इन झीलों पर मैं कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से होंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन आएगा कि मणिमहेश झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है फ्रेंड्स, यस चंबा में स्थित है। नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन कि रेणुका झील कहाँ पर है, तो रेणुका झील कहाँ पर है फ्रेंड्स, सिरमौर पर प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट आता है रिवालसर झील कहाँ पर है, तो रिवालसर झील है मंडी पे। पौंग झील है जो ब्यास नदी पर बनाया गया है कांगड़ा पे, उसे और किस नाम से जाना जाता है, जी महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा गढ़ासुरु झील किस जिले में स्थित है, तो फ्रेंड्स आपको पता ही है वो चंबा जिले में है। नेक्स्ट आता है परशुराम ताल कहाँ पर है, तो परशुराम ताल जो है वो रेणुका के साथ ही है, मतलब वहीं पे है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आएगा पौंग झील के बनने से कौन सा स्थान डूबा था। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन जगहों से जो जगह डूबी थी जब पौंग झील बनाई गई थी, तो वो था देहरा और गोपीपुर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती है। तो यस एक बार रिपीट करता हूँ फिर से, हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती है, तो वह है रिवालसर झील जो मंडी में है। नेक्स्ट आता है कि यूनाम सी झील कहाँ पर है, तो वो झील है लाहौल घाटी में। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, ताकि मैं आप तक अपनी हर एक वीडियो को पहुँचा सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।